जो बात समझनी समझानी मुश्किल हो उसके लिए मुहावरा है रॉकेट साइंस। उसी रॉकेट साइंस को कलाम लाखों स्कूली बच्चों तक ले गए। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने दिखाया कि रबर स्टैम्प कहलाने वाला राष्ट्रपति कैसे पूरे देश के मानस पर अमिट छाप छोड़ सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद शायद ही कोई और राष्ट्रपति होगा जिसने देश के इस हलके में इतना सम्मान होगा। राधा कृष्ण का बहुत सम्मान था लेकिन इस तरह जन जन में नहीं। कलाम न तो वैज्ञानिक के ढांचे में फिट होते थे न ही राजनेता के ढांचे में। वो जो थे उसे ही विलक्षण कहा जाता है। कोई नहीं दिखता जिससे आप कलाम की तुलना कर सकें। 1960 के दशक में मवेशियों के तबेले में लैब बनाने और साइकिल पर रॉकेट ढोने वाले शख्स की ही विरासत है कि भारत नासा से सैकड़ों गुना सस्ते मंगल मिशन तैयार कर रहा है। तमिलनाडु के तटवर्ती गांव में मछुआरों के किराए पर नाव देने वाले जैनुल उलाब्दीन के बेटे, जो पूरी तरह देसी सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ा, उसने पश्चिम का तकनीकी ज्ञान अपनाया मगर उसका जीवन दर्शन पूरी तरह भारतीय रहा। गीता पढ़ने, रुद्रवीणा बजाने और कविताएं लिखने वाले शाकाहारी कलाम अपना ज़्यादा समय लाइब्रेरी में बिताते थे या फिर छात्रों के साथ। पारिवारिक झमेलों से दूर उनका जीवन पौराणिक काल के किसी संत गुरु जैसा था। लेकिन सुखोई उड़ाना और सियाचिन जाना उनमें से एक अलग आयाम जोड़ता था। कलाम को पूजने की हद तक चाहने वालों में मिसाइल और परमाणु बम की विनाशक ताकत पर गर्वोन्मत्त होने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन कलाम को मिसाइल मैन कहना उतना ही अटपटा है जितना बालों की वजह से उन्हें रॉक स्टार कहना। कलाम को विक्रम साराभाई और सतीश धवन जैसे वैज्ञानिकों ने थुम्बा के अंतरिक्ष रिसर्च सेंटर में काम करने के लिए चुना था, जहां कलाम ने अंतरिक्ष तक उपग्रह ले जाने वाले देसी रॉकेट विकसित करने वाली टीम की अगुवाई की। यही संस्थान 1971 में साराभाई के निधन के बाद विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बनाया गया, जहां कलाम ने अपने वैज्ञानिक जीवन के 22 साल रॉकेट साइंस को भारत के लिए संभव बनाने में लगाए। उन्होंने उस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV का पुर्जा जांचा, परखा, जिसके कामयाब होने के बाद भारत एलीट स्पेस क्लब का मेंबर बन गया। ये सिलसिला यहाँ तक पहुँचा है कि उन्नत कहे जाने वाले देशों के सैटेलाइट भारतीय SLV के जरिए अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं। रक्षा अनुसंधान में लगे संगठन DRDO में उनका कार्यकाल छोटा रहा है, लेकिन वहाँ भी उन्होंने अहम काम किए। प्रधानमंत्री वाजपेयी के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर उन्होंने पोखरण 2 का नेतृत्व किया, लेकिन उनका जोर टेक्नोलॉजी के जरिए गरीबों का जीवन बेहतर बनाने पर ही रहा, न कि मिसाइल पर। कलाम पूरे देश में घूम घूम कर कहीं रतन जोत की खेती करने तो कहीं सैटेलाइट डेटा से मछुआरों की मदद करने की सलाह देते रहे। 2002 में जब राष्ट्रपति पद के लिए कलाम का नाम प्रस्तावित किया गया तो विपक्षी कांग्रेस ने उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा न करने का फैसला किया। सिर्फ वामपंथी दलों ने आजाद हिंद फौज में शामिल रही कैप्टन लक्ष्मी सहगल को मैदान में उतारा और ये एक तरफा चुनाव कलाम आसानी से जीत गए। कलाम उन राष्ट्रपतियों में से थे जिन्होंने पद की नई परिभाषा गढ़ी। अपने सर्वोच्च आसन पर भरपूर आनंद लेकर काम करते हुए दिखते थे कलाम। दूसरे कार्यकाल की एक दबी सी इच्छा शायद उनके मन में थी, लेकिन जब उन्हें अंदाजा हुआ कि UPA सरकार की मंशा कुछ और है तो वे गरिमा के साथ किनारे हो गए। पहले कार्यकाल के लिए समर्थन देने वाली कांग्रेस के साथ उनका एक मामूली टकराव हुआ था। तब उन्होंने अपने कार्यकाल के अंतिम हिस्से में लाभ के पद संबंधी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उसे पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। साल 2002 में राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने अपने थोड़े अटपटे से एक्सेंट में विजन 2020 पेश किया था, यानी अगले 18 साल में भारत एक उन्नत देश कैसे बनेगा इसका रोड मैप। सरकारें बहुत सारे विजन डॉक्यूमेंट पेश करती हैं और भूल जाती हैं। कलाम के ट्विटर प्रोफाइल में लिखा था, भारत को 2020 तक एक आर्थिक शक्ति बनाने का सपना पूरा करने के लिए कार्यरत। कलाम ने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि दो चीज़ें उनमें जोश भरती हैं, विज्ञान और उसे सीखने की चाह रखने वालों का साथ। उन्होंने जितने बड़े पैमाने पर देश के विज्ञान के छात्रों से मुलाकात की, बात की, कभी उनके कैंपस में जाकर, कभी राष्ट्रपति भवन बुलाकर, तो कभी स्काइप के जरिए, वह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होने लायक है। जीवन की अंतिम सांसें लेने से एन पहले वे छात्रों से ही बात कर रहे थे। वे खुद भी शायद ऐसी ही मौत चाहते होंगे।